35 ईयर्स समुंदर में काम कर रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप लोग? वापस ये सेकेंड डे है मेरा शिप में। मैं अभी भी सेलिंग ही कर रहा हूँ। मैं अभी भी सेलिंग ही कर रहा हूँ। तो मैंने कल रात बहुत अच्छी नींद आई मुझे, बहुत अच्छा था, हल्का से लाइक शिप हल्का से हिल उल्टा मजा आता, ऐसा लगता है आप झूला झूल रहे हो। ओके, उसके बाद मैंने सवेरे उठा और गया नहाया धोया, नहीं नहाया नहीं, मैंने सॉरी मैं नहाए सिर्फ ब्रश किया। शिप में नहाने का ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली विंड कुछ ज़्यादा ही है तो मुझे पता नहीं कि ये रिकॉर्ड कैसा हो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ ब्रश किया, खाना वाना खाया, ब्रेकफास्ट ब्रश किया और आज का ट्रिप स्टार्ट होता है अभी, और हो सके मैं कैप्टन से जरूर मिलने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अपर डेक देख पाए। तो जरूर ओ ऐसा होता है जब वेव होता है, मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब वेव, ये तो बहुत ही है, वेव हाई नहीं है, जब वेव होता है आदमी यहाँ जाता है, यहाँ आता है। आप ही का ले रहे हैं थोड़ा रोशनी में आ जाइए, फिर आपको यहाँ आ जाइए, आ जाओ, हाँ वीडियो वीडियो में भेजेगा। ओके, अच्छा लोकेशन दिख रहा है, ये मिस्टर सरवनन है, इनके फ्रेंड्स हैं और ये एक्चुअली कैंपबेल बे से हैं। थोड़ा सर उठाइए, लाइट नहीं मिल रहा आपको। तो ये कैंपबेल बे से हैं जहाँ पे इंदिरा पॉइंट, जो मैं आपको बोल रहा था मैं कोशिश करूंगा वहाँ जाने के लिए, इंदिरा पॉइंट, तो वहीं से, इंदिरा पॉइंट से नहीं है लेकिन कैंपबेल बे से, कैंपबेल बे से इधर आइए, कैंपबेल बे से। तो मुझे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने, तो जब मैं जाऊंगा उनके आइलैंड में तो मुझे हेल्प करोगे, राइट? यस। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, अंडमान की सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है? कैंपबेल बे, कैंपबेल बे। लेकिन अंडमान की सबसे बड़ी आइलैंड कैंपबेल बे है, पर डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत कम है। ओके, जिस दिन डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो भी एक सिंगापुर बन सकता है। ओके, मुझे लगता है दुनिया में बहुत सा सिंगापुर हो चुका है, कैंपबेल बे या उसको ग्रेटर निकोबार भी बोलते हैं, राइट? ग्रेट निकोबार। हाँ, तो उसको अगर ऐसा ही रहने देगा तो बहुत अच्छी रहेगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे सुनामी बहुत ही हिट हुआ था, राइट? आपने बहुत सा प्रॉपर्टी लूज किया है ग्रेट निकोबार के अंदर, सबसे ज्यादा सुनामी निकोबार, उसके बाद जो है कचाल, उसके बाद जो है कैंपबेल बे। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका यू नो सुनामी एंगल भी थोड़ा अपने आप अपने इसमें लेके आऊँ, तो देखते हैं फिर। फिर और 2 दिन शिप में, शिप में। और आप देखिए शिप समुंदर बड़ा ही नीला समुंदर है, आपने कलर कभी देखा है? ये कलर आप अगर समुंदर पे आओगे तभी ही आपको दिखाई देगा। शिप क्रू, शिप में काम करते हैं तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया है शिप क्रू के खाना खाने के लिए, लंच में। चलो साइजू। ओके, सब पैसेंजर्स मूवी देख रहे हैं, इज अ गुड मूवी? हाँ, अच्छा मूवी है। तो हियर वी गो, किचन शूट करें। क्या हुआ? जैसे किचन। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया रे भाई, एकदम बढ़िया। आज स्पेशल है, स्पेशल मटन चिकन चिल्ली फ्राई, चिकन में देख सकता हूँ चिल्ली फ्राई, बड़ा खत्म हो गया, खाली है, नहीं बड़ा खत्म हो गया, बड़ा नहीं चाहिए मुझे, रसम 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 है, फूल कोलम है, एक दिन में आके खाना बनाऊं यहाँ पे, सब खाली है, खाली हो रहा है। हेलो साइजू, मैं सुना साइजू आप गाना गाते हो, अच्छा आप यहाँ के कुक हो?
आपका नाम? ईश्वरन। तो ये यहाँ के कुक है, तो आज का स्पेशल क्या है, दिखाओगे? दिखाइए। तो ईश्वर जी आज का स्पेशल दिखाने वाले हैं। ये तो गर्म पानी है। तो ये यहाँ का ये यहाँ का चूल्हा, इट्स लाइक अ हीटर। ओके, हेलो। तो किचन में शिप में आपका लाइक कुकिंग होता है, ऐसा होता है जहाँ पे हीटर में बनता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर घर जैसा। ओके, लेकिन ओके दिखाइए। तो अभी हम किचन में हैं मिस्टर ईश्वर के साथ। ये यहाँ से कुक है, तो आप अब दिखाओगे यहाँ पे आप कैसे कुकिंग किया जाता है। लेकिन अभी मैं कुक नहीं देखेंगे, कुक नहीं देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे आपने क्या कुक किया, राइट? तो बाद में कुकिंग सेशन बाद में होगा, प्लीज। आज का स्पेशल है भिंडी चटनी। ये क्या लगता है आपको? आलू बहुत पसंद है। ये क्या सब्जी है? मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल, तारनी मच्छी। तारनी मच्छी, ये राइस। राइस और बीच वाला क्या है? बीच वाला भिंडी। भिंडी, ये भिंडी, ये है मिक्स वेजिटेबल और ये है दाल। सो आज का स्पेशल ये है। तो अभी हम खाना खाएंगे। थैंक यू मिस्टर ईश्वर जी। और आप का नाम? कैंटीन मैनेजर। कैंटीन मैनेजर, कैंटीन मैनेजर नहीं है, रेस्टोरेंट मैनेजर। ओके, और खाना ऐसा खाया जाता है? बोलो, बढ़िया है। ये हमारा लाइफ बहुत सिंपल है, यू नो, खाओ पियो ऐश करो और खुश रहो। क्या बोलता? हाँ वही है बस। चलिए, हेलो, आई एम गुड। आपको कुछ बोलना है सब मेरे सब्सक्राइबर्स को? कुछ तो बोलिए। अब क्या करते हो शिप में? वर्किंग इन द इंजन रूम। वर्किंग इन द इंजन रूम, तो आप मुझे इंजन रूम दिखाओगे? चलिए। या नॉट नाउ, आफ्टर बस, आफ्टर वी ईट द फूड। सो अभी हम मिलेंगे बाकी क्रू मेंबर्स से। तो आप क्या खा रहे हैं? भिंडी और फिश और दाल। भिंडी, फिश और दाल। सो बाकी क्रू मेंबर्स का खाना हो गया? बाकी ने खा लिया? तो खा रहे हैं। ओके, सब आते रहेंगे, खाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो नॉर्मली ऐसे करते आते रहेंगे, खाते रहेंगे, जाते रहेंगे। और थैंक्स टू सर जी फॉर शोइंग ऑल द प्लेस। बाय बाय। फिश, हियर इज द थिंग। हेलो गाइस, कैन आई जॉइन यू गाइस? यस श्योर। या तो अभी खाने का टाइम है सबके साथ। आपका नाम? राजेश। राजेश, राजेश शाही, साजी, साइजू, साइजू। ये अंडा करी है। ये जो किचन है जो आप देख रहे हैं, ये जो किचन है ये है ये किचन किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए। ये किचन ऑफिसर्स के लिए है, तो इनका मेनू, इनका सब कुछ डिफरेंट होगा। तो आज डिनर के लिए क्या स्पेशल है? मिक्स वेजिटेबल है, दिखाएंगे आप? तो आज का टाइम लगेगा, तो अभी कुकिंग चालू है। एग है, ब्रिंजॉल है, ये क्या है? सारा दाल है, बस स्पाइसी भी है। तो आप लोग के किचन में कितने लोग हैं यहाँ पे आपके साथ? तीन लोग हैं। तो तीन लोग काम करते हैं किचन में, और इनका व्यू बहुत अच्छा है, आप देखना चाहिए। ओ, एक, दो। आप सोचिए
कोई भी शेफ को ऐसा व्यू मिलेगा जहाँ पे हमेशा समुंदर ही समुंदर देखा, ब्लू इनका लाइफ ही समुंदर है। आप एक पता है, कभी आपको लगता है कि कभी समुंदर को ऐसा देख के बस आप खो गए, लाइक हम मैं खो गया समुंदर में, ऐसा लगता है? 35 इयर्स समुंदर में काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपको एक लोगों इनके साथ मिलाता हूँ जो आप एक्चुअली मिल चुके हैं हमारे मेरे पिछले वीडियो में, आपको ध्यान हो, याद है आपको? शिप में काम करते थे, जब मैं टिकट लेने गए थे वहीं थे, बहुत हैप्पी हूँ। और ये तो आप पहचानते होंगे मिस्टर सजी को, सजी स्माइल, सजी जब भी कैमरा में आएंगे स्माइल करेंगे, राइट? दैट्स अ डील, राइट सजी? ओके, बिग स्माइल सजी, आई वांट टू सी योर टीथ। ओके, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर में, एक्चुअली इन्होंने नहीं किया, मैंने खुद इनवाइट हुआ अपने आप को, सेल्फ इनविटेशन, एक दिन, राइट, आपके पूरे फैमिली के साथ, राइट? तो स्पेशल वीडियो रहेगा जहाँ पे इनका रोजा टूटेगा और हम खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, क्या बोलता है? ठीक बोलता है। तो नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं शेफ, शिप का शेफ चपाती बनाने के लिए आटा गूंद रहा है। कितने चपाती बनेगा इसमें? 150 चपाती बनेगा। कूल, तो आप बनाते रहिए, मैं आके आपसे फिर मिलूंगा जब खाने का टाइम होगा। तो क्या बोलते हैं कि चलना क्या साजी, चलो निकलते हैं अभी पतली गली में, चलो साजी, चलो देखो साजी, साजी साजी एक स्माइल दो ना। चलो आप ये देखिए, एक शिप जा रहा है, एक शिप 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 शिप, ये देखिए, ये देखिए, ये एक और एक शिप क्रॉस हो रहा है, और एक शिप, ये एक्सक्लूसिव जोन है, ये शिप का बैक पोर्शन है, एकदम पार्क में। आप देख सकते हैं एले यहाँ पे हुआ, वहाँ पे मैं बाद में लेके जाऊंगा, लेकिन आपको लेके जाएंगे। हेलो, आप देख सकते हैं शिप का बैक पोर्शन, ये व्यू मिलेगा आपको कभी, ये व्यू एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव देखिए, समुंदर को चीर करके अपना जहाज जा रहा है। हेलो, आप कैसे हो? आपका नाम, आप क्या रैंक है आपका, कुछ बताइए। मैं नाम अंकित है, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ शिफ्ट का। okay. और मेरी ड्यूटी जैसे 12-4 12 से 4 तो मतलब कितना करता है? 4 hours in day, okay. 4 hours in night. ओके, मतलब वो सिर्फ 4 घंटे काम नहीं करते, 8 घंटे काम करते हैं। और 40 आप कहाँ